दिल्ली में खेले जा रहे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले दिन कल भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा। दिल्ली इस बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसमें पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल तक के मुकाबले यहां शामिल हैं, वहीं महिलाओं की खिताबी जंग यहीं संपन्न होगी। कल पहले दौर के मैचों में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में तीन तीन भारतीय खिलाड़ियों ने जोर आजमाइश की। इनमें पुरुष वर्ग में जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ को कजाकिस्तान के व्लादिमीर एवगेनी ने मात दी, वहीं ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते ने ब्राजील के गिलोस गिलबर्टो और ग्रैंड मास्टर के शशिकरण ने जमैका के सिमोतोव अमोन के खिलाफ ड्रा खेला। महिला वर्ग के पहले दौर में चोटी की भारतीय महिला खिलाड़ी एस विजय लक्ष्मी ने कल खेल प्रेमियों को निराश किया। एलो रेटिंग में विजय लक्ष्मी से नीचे चल रही फिनलैंड की नीना कॉस्केला ने उनकी मजबूत घेराबंदी करके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भाग्यश्री थिप्से के लिए कल का दिन अच्छा नहीं रहा और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। हॉलैंड की पेंग झाओकिन ने इस मुकाबले में पूरे अंग झटक लिए। भारत की ओर से एस मीनाक्षी ही एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी नहीं जिन्होंने ड्रा खेलकर हार का सिलसिला तोड़ा। रूस की एलेना जावेक के खिलाफ उनका मुकाबला बराबरी पर छूटा। वैसे इस प्रतियोगिता में भारतीयों की मजबूत आशा के केंद्र विश्वनाथ आनंद सीधे दूसरे दौर के मैचों में कल नजर आएंगे। Well, it's always, you always have to create something new. I mean, because, you know, these days with the internet, anything you play is disseminated instantly all over the world. So you do have to come up with new ideas. But hopefully I've got a few, but I'm sure everyone has some ideas prepared. So here we'll see how they work out. इससे पूर्व इस प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन हुआ, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री उमा भारती के अलावा फीडे के अध्यक्ष किरसान इल्यूजिनोव ने भी शिरकत की। शह और मास से हटकर शतरंज के महारथियों ने इसका खूब मजा उठाया। अगले माह 16 दिसंबर तक रोज बिछेंगी बिसातें, लेकिन 64 खानों के इस खेल में कौन बनेगा महाराजा, यह दिलचस्पी का विषय होगा।